नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में नीट और JEE का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि दोस्तों जो डॉक्टर के लिए और इंजीनियरिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। तो जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। उसमें ये था, याचिका में ये बोला गया था कि जो नीट है और JEE का मेन जो एग्ज़ाम है वो कोरोना के कारण जो है स्थगित यानी कि पोस्टपोन कर दिए जाए, यानी कि इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ा दी जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो एक बेंच थी उन्होंने ये याचिका जो है खारिज कर दी। आइए जानते हैं क्या क्या कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, कोरोना के कारण ज़्यादातर एग्ज़ाम हैं जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं या रद्द कर दिए गए हैं। उनमें से एक एग्ज़ाम है नीट और JEE एग्ज़ाम। ये दोस्तों इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स की जो पढ़ाई होती है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। फ्रेंड्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। SC ने जो है याचिका, मैं आपको बता दूं, खारिज कर दी है। और उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकती जो एजेंसी है, जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है, उसके फैसले में हम बीच में कुछ भी नहीं बोल सकते। और आपके और बीमारी चलती रहेगी, लेकिन हमें जो है आगे बढ़ते रहना होगा। ऐसा कुछ दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और इस बेंच में जो जज थे VR गवई और कृष्ण मुरारी जी, ये थे। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जिन वकील ने ये याचिका डाली थी उनका नाम था वकील अलक आलोक श्रीवास्तव। इन्होंने बोला है कि हमने जो याचिका है वो रद्द करने के लिए नहीं, हमने केवल एग्ज़ाम डेट जो है आगे बढ़ाने के लिए बोला है। तो फ्रेंड, जो याचिका थी, यानी कि कहने का मतलब ये है, नीट और JEE मेंस के जो एग्ज़ाम हैं उनके अब टाइम पर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करने की जो याचिका थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।